मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी धार्मिक रूप से देश के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं जहां स्वच्छता होती है ईश्वर वहीं वास करते हैं। लगभग 6 लाख की जनसंख्या वाला उज्जैन मध्य प्रदेश का पांचवां बड़ा शहर है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। उज्जैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सड़कों, चौराहों, शहर और वाटर बॉडीज की सफाई के लिए चुना 3R फॉर्मूला, जिसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इस पूरे स्वच्छ सर्वेक्षण में उज्जैन ने कोशिश की कि हम लोग 3R पद्धति पर कायम रहें और कचरे का रिडक्शन करें, कचरे जो हमारे यहाँ कचरा उत्पन्न हो रहा है उसका रीयूज करें और उसको रिसाइकल करें। जनता के लिए स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए, जहाँ कई सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे महिलाओं के लिए शी लाउंज। इस लाउंज में सफाई से लेकर अन्य जरूरतें जैसे किड जोन, इंटरनेट सर्विस, बच्चों के लिए रिक्रिएशन जोन, फीडिंग रूम आदि भी बनाए गए और लोगों को इनके उपयोग के लिए जागरूक भी किया गया। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में जनता की भागीदारी बहुत जरूरी थी और इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था लोगों को सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करने का महत्व समझाना। जनता को सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करने का तरीका और उसकी इम्पोर्टेंस को समझाया गया। शहर और सड़कों की सफाई के लिए नियमित रूप से दिन में 2 बार उज्जैन को सफाई कर्मचारी और आधुनिक सफाई गाड़ियों से साफ किया जाता है। अभियान के दूसरे भाग में 100% कचरे का सेग्रीगेशन किया गया, जिसे लेकर UMC की गाड़ियां उच्च क्षमता वाले वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जाती हैं, जहां जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पद्धति के आधार पर कंपोस्ट खाद और दूसरी चीजों के लिए इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। 250 टन कैपेसिटी वाले उज्जैन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में हर रोज करीब 200 टन कचरा आता है। यहां गीले कचरे को कंपोस्ट करके खाद बनाई जाती है और सूखे कचरे से RDF मिलता है, जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। संग्रहित गीले कचरे को बायोमेथेनेशन प्लांट में लाया जाता है, जहां इसे प्रोसेस करके बायोगैस बनाई जाती है। मंदिरों, घरों और रेस्टोरेंट से निकलने वाले फूड वेस्ट संग्रहित करके बल्क वेस्ट जनरेटर की मदद से खाद का निर्माण किया जाता है। इस खाद को पहाड़ी क्षेत्रों और पार्कों में यूज किया जाता है। बचा हुआ सूखा कचरा UMC को दे दिया जाता है। जन भागीदारी के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया गया, विशेष रूप से बच्चों को साथ लेकर जनता को स्वच्छता का महत्व समझाया गया। इसी के साथ दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स द्वारा उज्जैन का सौंदर्यीकरण किया गया। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कर्मचारी सफाई वाहन से लेकर कचरे के संग्रहण एवं निराकरण तक हर जगह हाईटेक तरीके से 24 घंटे नजर रख सकते हैं और आवश्यक निर्देश भी देते रहते हैं। उज्जैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्वच्छ उज्जैन ऐप की शुरुआत की। इस मोबाइल ऐप पर जनता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती है और UMC इस ऐप के माध्यम से जनता को शहर में चल रहे सफाई अभियान की जानकारी प्रदान करती है। मंदिरों में अर्पित होने वाले फूलों का सही रूप से डिस्पोजल नहीं हो पा रहा था, इसके लिए UMC ने इन फूलों के संग्रहण के लिए विशेष निर्माल्य कुंड बनवाए। एक इनोवेटिव अप्रोच के तहत फूलों से अगरबत्ती का काम शुरू हुआ, जिसमें UMC के लोगों को विशेष सहयोग दिया गया। कपड़े के वेस्ट को भी नई तकनीक से रिसाइकल करके पेपर शीट्स का उत्पादन शुरू किया गया, जिससे न सिर्फ कचरे से मुक्ति मिली बल्कि लोगों को रोजगार भी मिला। स्वच्छ भारत ही समर्थ भारत है, स्वस्थ भारत है और समृद्ध भारत है, इसी सत्य का उत्सव मना रही हैं उज्जैन शहर की उपलब्धियां।